गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर डे। सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 6:30 और बारिश हो रही है। कल पाए से नीचे आके इतनी थकावट हो गई थी कि मैं सोया ही रहा और तकरीबन मैं 12 से 15 घंटे सोया हूँ। तो अब तबीयत भी फ्रेश, थोड़ी सी हल्की हुई है बारिश, वरना इससे पहले इतनी तेज़ बारिश थी और बिजली तो हैवी किस्म की चमक रही थी। आज हमारा सेकेंड डे है शोगरान में, तो अब हम वापसी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से नाश्ता करेंगे, उसके बाद 8:30 के करीब जीप तकरीबन खड़ी हुई है यहाँ पर। 6:30 हो रहे हैं, 1.5 घंटा है, लेकिन एक मसला है, बारिश रुकेगी तो जाएंगे। तो नाश्ता करेंगे 7 बजे, उसके बाद तैयार होंगे, नहाए धोएंगे 8 बजे, फिर कवाई, और कवाई से फिर आगे रास्ते में कुनहार रिवर आता है, उधर थोड़ी देर स्टे करेंगे, उसके बाद फिर वापसी। तो होपफुली हमारी आज वापसी 8-9 बजे लाहौर हो जाएगी, अगर हम यहाँ से टाइमली निकल जाते हैं तब। बट अगर बारिश तेज़ होती रही तो चढ़ाई है, मतलब उतराई है, और हम इस टाइम चढ़ाई पे हैं तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ना फिसलन होती है, ऐसे रोड्स प्रॉपर बनी नहीं हुई। तो बाकी रात को यहाँ पे बॉनफायर हुआ था, वो मैंने मिस कर दिया था, मेरी चूँकि मेरी हालत इतनी को ख़राब हो गई हुई थी, इतनी को थकावट थी कि कुछ मेरे से काम हो ही नहीं रहा था। तो बॉनफायर के बनने में मैं आपको दिखाता हूँ, बॉनफायर का एक ये है और एक ये है। हम इस टाइम रुके हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शोगरान होटल। यहाँ के अगर मैं रूम की बात करूँ तो रूम यहाँ पे अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, बट नॉर्मल हैं। अगर आप 4 पर्सन की शेयरिंग के लेते हैं तो 3 आपको बेड मिलेंगे, 1 मैट्रेस मिलेगा। बाकी यहाँ पे लाइट एज सच नहीं होती, जनरेटर चलते हैं तो लाइट का मसला रहता है। इवन अभी भी लाइट गई हुई है और बिजली अच्छी खासी चल रही है। तो जैसे ही लाइट आती है फिर मैं आपको रूम टूर देता हूँ। मैंने इस वजह से कल रूम टूर नहीं दे पाया, थकावट थी प्लस लाइट ही नहीं थी। लाइट आती भी है तो बहुत कम आती है, तो जनरेटर भी चलते हैं, जनरेटर अक्सर ये बंद कर देते हैं। चार्जेस का कुछ इस तरह है कि आपको 2% हो या 4% हो या 5%, इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है ना 5 to 6,000 है। और अगर आपने एक्स्ट्रा कोई मैट्रेस लेना है तो मैट्रेस के आपको चार्जेस अलग से देने होंगे। बट जो रूम में जो अगर आप 3% की शेयरिंग पर लेते हो तो 3 बेड आपको मिल जाएंगे, 4 की लेते हैं तो 4 मिल जाएंगे। बट इसमें मैट्रेस बिछाने की एक जगह रूम है, इसमें ये 3 बेड लगे हुए हैं, इसमें जो गद्दा है वो भी ठीक है, और जो तकिया है वो भी अच्छा है, सॉफ्ट सा है, और साथ ये कंबल देते हैं। इसी तरह ही ये बाकी दो, और ये मैट्रेस हमने एक सेपरेट लिया जो कि हमें चाहिए था। ये एक सिंपल सा, ये एक LCD लगी हुई है, और हमारे विंडो से एक अच्छा व्यू बाहर नज़र आता है, और ये हमारा एक ओवरऑल रूम का व्यू है ना। मेरा जो बिखरा हुआ इसको अब जल्दी से पैक करते हैं, क्योंकि 1 घंटा रह गया निकलने। लोगों ने कर लिया, अब मैं चाय पी रहा हूँ, और हमारी जीप भी रेडी है, और 10 से 15 मिनट में हम बस चेकआउट करने लगे हैं। तो मैं वापस बैठ के उसके बाद अगला स्टे हमारा होगा कुनहार रिवर पे। सुबह यहाँ पे फुल तेज़ बारिश थी और अब हल्की सी धूप निकली है, बट फिर अभी बादल आ